सिरोही के निकट ग्राम पंचायत खाम्बल पड़ता है। हमने अनेक बार नाम सुना है। यहाँ का ये राजीव गांधी सेवा केंद्र है, अर्थात ग्राम पंचायत है। यहाँ की वर्तमान सरपंच साहिबा श्रीमती मनोहर कंवर हैं। आज इस कहानी को बताने के पीछे मेरा एक बड़ा कारण है। आज मैं उस कहानी को विस्तार से बताऊंगा कि एक संकल्प लेता है अगर कोई सरपंच तो क्या कर सकता है। और मैं यहाँ की तुलना सीधा पिपलांत्री से करूँगा। ये यहाँ मैं सबसे पहले तो मैडम को प्रणाम करता हूँ। श्रीमती मनोहर कुंवर सरपंच हैं और आप सर हैं, आप भी इस कार्य में सहयोग करते हैं। सरपंच साहिबा, आपको मैं पहले तो बधाई शुभकामना की मात्र शक्ति भी किसी काम में कभी पीछे नहीं रहती। और आपने यहाँ जब से सरपंच बने हैं तब से अपना कार्य शुरू भी कर दिया। बड़े संकल्प हैं, बड़े सोच है, तो हम चाहेंगे कि आपने अभी तक क्या किया और आगे क्या करेंगे या करने का सोचा है, उस पर आपके व्यू भी जानेंगे। आज हम इसका विस्तार से आपको बताएंगे। और यहाँ अगर हम शुरुआत में देखें तो यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इस तरह का रिकॉर्ड हर ग्राम पंचायत रखती है अपने अपने ढंग से, जिसमें आपको ये एक नाड़ी बता रहा हूँ। इस नाड़ी का मैं ऑन द स्पॉट भी बताऊंगा, लेकिन इस तरह से नाड़ियाँ खोदना ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्यों में आता है। और ये जल संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। आप एक यहाँ प्लॉट देख रहे हैं जिसको पार्टी प्लॉट कहेंगे। ये गांव का ही है, गांव खाम्बल का है, शिव शक्ति वाटिका। यहाँ लॉन भी लगेगा, कुछ प्लांटेशन भी होगा। लेकिन यहाँ मेरा बताने का भाव ये है कि ये जगह एक बड़ा सा खड्डा था। इस जगह पर मात्र अंग्रेजी बबूल थे। अब आप सोचिए कि अंग्रेजी बबूल का जंगल हो, उस जगह की कोई कदर नहीं होती, उस जगह का कोई उपयोग भी नहीं होता। और ये यहाँ के आदरणीय सरपंच साहिबा और भाई साहब जो हैं, इन्होंने मिलके ये कार्य अपने हाथ में लिया। जैसा कि बता रहे थे कि अभी तो इसका उद्घाटन या मुहूर्त या इसका एक तरह से विधिवत शुभारंभ भी करना बाकी है, लेकिन ये कार्य भी इनका प्रेरणादायी है, अनुकरणीय है, अनुमोदनीय है। यहाँ हम देख रहे हैं डिजिटल इंडिया की बात भारत करता है। और ये यहाँ सारा मीटिंग भी सारी ऑनलाइन होती है। हमारे आदरणीय बहन जी सरपंच साहिबा भी क्या नहीं, कोई बात नहीं है, हमारी परंपरा है, एक सामान्य परंपरा है। हम इनसे जानेंगे आदरणीय सरपंच साहिबा से, क्या आप कितना महीना हुआ है आपके, आठ महीने लगभग, 8 महीने फरवरी, 8 महीने पहले आप चुनाव जीते और एक सपना या एक संकल्प के साथ कि आपको इस गांव का विकास करना है। तो इस गांव, देखिए गांव या भारत या जिला या नगर या शहर या महानगर, इसमें स्वच्छ भारत अभियान दिखना चाहिए। तो उसके लिए गांव की सड़कों में नाली आदि सब है या बन रही है अभी? नाली भी बन रही है। अच्छा, सफाई रेगुलर होती है? सफाई सफाई भी हो रही है, सफाई का अभ्यास भी चालू है। अच्छा, मेन नाड़ी का खुदाई का भी चल रहा था। अच्छा, नाड़ी भी आपने आपके काल में खुदवाई है ना? प्लांटेशन आप नहीं, जैसे आपने झाड़ लगाए हैं ये, तो वो उनमें पानी वानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था आदमी लगाए हुए हैं, वो पंचायत के थ्रू, पंचायत के थ्रू या आप पंचायत के थ्रू भी लगाए हैं। लेकिन आप स्वयं भामाशाह परिवार से आते हैं तो पैसा कोई विषय भी नहीं आता। देखिए राज समाज और भामाशाह हर ये मैं तीन आधार स्तंभ मानता हूँ। और वो राज में ग्राम पंचायत आ गई, समाज का मतलब पूरा गांव आ गया, और भामाशाह के रूप में हमारे श्री शैतान सिंह जी हैं। तो ये शैतान सिंह जी की शायद प्रेरणा रही है कि आप सरपंच बने हैं, आप की आदरणीय मैडम है। और ये देखिए आप भले ही एक अच्छे व्यापारी है, मुंबई आदि शहरों में आपके बिजनेस हैं, लेकिन आपका जुड़ाव इस गांव से है, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियासी, गांव का विकास आप चाहते हैं। और आपने शायद वही सोच के
कि भाई आप किसी सरकार में से जुड़ के सरकार के काम को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वही आपने किया है। आज हम आपको एक तरह से ग्राम दर्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की भी तस्वीर हम देख रहे हैं, ये चौराहा इसी टाइप के हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि यहाँ चार मंदिर हैं। महादेव जी का मंदिर है जो बहुत प्राचीन है, गोगा जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, और थोड़ा आगे जैन मंदिर भी है। तो कुल मिला के ये हम यहाँ नाली आदि देख रहे हैं। ये गांव का विकास होना चाहिए। ये इस तरह का जब गांव का विकास होता है तो हम उसको पिपलांत्री से जोड़ के चल सकते हैं। हालांकि पिपलांत्री एक संकल्प का नाम है, पिपलांत्री एक पुरुषार्थ का नाम है, एक तपस्या का नाम है, एक सेवा का नाम है। हम देख सकते हैं कि मातृशक्ति ने संकल्प लिया है इस खंबल गांव में, तो निश्चित रूप से संकल्प पूरा होगा, होना चाहिए। यहाँ हम ये विद्यालय भी देख रहे हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। और यहाँ भी जैसा हमको शैतान सिंह जी बता रहे हैं कि यहाँ भी इन्होंने अपनी तरफ से कुछ रूम बनाए, यहाँ श्री भगवान। ये एक्चुअल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, हम इसको देख सकते हैं। ये इसका विस्तार है और ये संपूर्ण परिसर, जैसे यहाँ एक माता जी का मंदिर है, मैं उसको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। यहाँ ये वो स्थान है जहाँ पे गांव के पशु सुबह शाम जंगल में जाने से पहले इकट्ठा होते हैं, सुबह भी इकट्ठा होते हैं। यहाँ इस तरह से हम गोबर देख रहे हैं क्योंकि यहाँ खड़े होते हैं पक्षी। यहाँ इनका एक देखिए, ग्रामीण परिवेश में ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता है हमारी भारतीय संस्कृति में कि पक्षियों को दाना मिले, बच्चों को विद्या मिले, बंदरों को या जीव दया का भी ध्यान रखा जाए। इस तरह का ये एक पूरा प्रकल्प होता है गांव में ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रहे। ये श्री बायोशा का मंदिर है। देखिए, हमारी आस्था का कोई मापतोल नहीं है। हम पूर्ण आस्तिक हैं, हम पत्थर में भगवान को देखते हैं और देखने की सामर्थ्य रखते हैं। ये केवल हम भारतीयों के अंदर इस तरह की भाव होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये निर्माण हुआ है और लगातार चल रहे हैं। आज की तारीख में सबसे मुश्किल काम होता है प्लांटेशन, और प्लांटेशन के बाद में उनका संरक्षण, उनको वृक्ष कैसे बनाया जाए, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि संभवतः जुलाई अगस्त में प्लांटेशन का चारों तरफ जुनून होता है, लेकिन जैसे ही बरसात जाती है वो जुनून उतर जाता है, ठंडा हो जाता है, या यूं कहें कि उसके बाद उन पौधों की रक्षा करना कठिन हो जाता है। पौधों को पानी पिलाना होता है, ये सब हम जानते हैं, ये कोई आश्चर्य नहीं है। ये और जो भी प्लांटेशन के प्रोग्रामों से थोड़ा बहुत भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी संबंध रखता है, उसको ये मालूम रहता है कि एक बच्चे को बड़ा करने जैसा इन पौधों को बड़ा करने का काम है। देखिए, ये हमारी देसी टेक्निक है, ये देसी टेक्निक है कि इसमें से पशु नहीं जा सकता और आदमी चला जाता है। और यहाँ मैं फिर एक चीज़ की तारीफ करूँगा इस बात के लिए कि ये एक तरह से पानी यहाँ इसमें डाल दिया जाता है और फिर बाल्टियों से पिलाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, पर यहाँ बिजली का साधन नहीं होगा। लेकिन इन्होंने चार व्यक्ति रखे हुए हैं जिनको ये सैलरी देते हैं, सैलरी ग्राम पंचायत से देते हैं। चलिए, ये व्यवस्था है हमको नरेगा के माध्यम से या ग्राम पंचायत के माध्यम से। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत खूबसूरती से एक लाइन से एक तरीके से दो पार्ट में प्लांटेशन किया है। दो पार्ट, ये एक पार्ट ये देख रहा हूँ और मैं एक पार्ट उधर आपको थोड़ा दिखाऊंगा, हो सका तो मैं वहीं जाके दिखाऊंगा। वहाँ भी प्लांटेशन किया है और सबसे बड़ी बात 800 पौधे लगाए हैं। 800 पौधे सरपंच आदरणीय बहन जी, आपको इस काम के लिए तो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं कि आपने ये बहुत सुंदर, क्योंकि अगर आपने इस गांव का नाम रोशन किया या नाम रोशन के लिए प्लांटेशन कर दिया। प्लांटेशन वैसे तो मैंने सुना है कि बेटी के जन्म पे क्या क्या योजना क्या है, पिपलांत्री की तर्ज पे काम कर रहे हैं भाई साहब, आप क्या आप ही बताएं। चलो, ये जो एक झाड़ लगाना, मतलब जैसे ही कोई एक झाड़ लगाना है,
जिस बेटी जिसके घर पे बेटी पैदा हुई है हुकम, तो हम एक जार उसको गिफ्ट देते हैं, तो उस जार का चलिए चलिए बेटी की बात की तो बेटी भी आ गई। मैं बेटी को, अरे भाई बेटी की एक बार तो हम शक्ल दिखा दें सबको, बहुत खूबसूरत बेटी। लेकिन ये बेटी जब बड़ी होगी, देखिए ये बड़ा भावनात्मक चर्चा है, ये जब बेटी बड़ी होगी ये कहेगी कि इनमें एक पेट मेरा भी है, और पेट को अपना रक्षक मान के उसको एक रक्षा सूत्र बांधेगी। ऐसा मैंने पिपलांत्री के बारे में सुना है, कहा है कई बार कि वहाँ के सरपंच साहब इस तरह का संकल्प लेते हैं। और देखिए रातों रात कोई अभियान खड़ा नहीं होता, रातों रात कोई मिशन भी कामयाब नहीं होता, और ये मिशन आपने शुरू किया है, मात्र 8 महीने हुए हैं, 8 महीने में आपकी उपलब्धि देखी जा रही है। मैं 2-3 तरीके से देख रहा हूँ, आपने सफाई को मुद्दा बनाया है, सफाई आप करते हैं, आपने इस तरह के 2 पार्ट में पौधे लगाए। मैं आपको एक बात कहता रहता हूँ, सिरोही या राजस्थान में वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अंग्रेजी बबूल की है। अंग्रेजी बबूल ने हमारे तमाम गोचर और ओरणों को बर्बाद कर रखा है, ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। और उन अंग्रेजी बबूलों से अगर मुक्ति दिलानी है तो हमको देसी वृक्षों को भले धीरे धीरे ही सही उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। और इस भाग्यशाली बेटी को जिसने ये संकल्प लिया है, अभी भले ही इसने होश नहीं संभाला लेकिन इसने इस बात का होश संभाला है कि मैं प्लांटेशन मेरे नाम से भी हुआ है। ये जैसे करंज को मैं देख रहा हूँ, ये करंज भी इस बेटी की तरह एक तरह से लहला रहा है। हाँ ये लहरा है कि क्या, देखिए ये देखिए, इससे बढ़िया और कोई 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 खुशी नहीं हो सकती। मैं इस बात के साथ मेरी बात को विराम दूंगा, आदरणीय बहन जी को साधुवाद भी दूंगा, इनको बधाई भी देता हूँ। श्रीमती मनोहर कुमार साह, आप एक बड़ा संकल्प लेके चल रहे हैं, 5 साल आपको काम करने के हैं, आप 5 साल में इस तरह का करके बताएंगे, क्योंकि समाज काम की कदर करता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। कोई कोई पिपलांत्री में मैंने नहीं सुना कि कोई सरपंच दोबारा बना है, पिछले 15 सालों से एक ही सरपंच काम कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है कि उसने काम किया है, वो काम की कद्र करते हैं, काम करते हैं। मैं मेरी बात को, बात बहुत लंबी हो सकती है, कितनी भी कही जा सकती है, कहने की कोई सीमा नहीं, लेकिन एक सीमा पे मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। बहन जी को बहुत बहुत शुभकामना, बहन जी के संकल्प को बहुत बहुत शुभकामना, बहन जी के कार्यों को बहुत बहुत शुभकामना। मैं आज इतना ही, आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, लेकिन ये मातृशक्ति का कमाल और ये प्रेरणादायी, ये देखिए सिरोही ज़िले का खाम्बल गांव, एक ग्राम पंचायत जिसके अंदर अणगौर भी आता है और ये खाम्बल भी आता है, ये एक अच्छी शुरुआत की है, अब ये शुरुआत आगे तक जाएगी, आगे तक जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।